हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लियो गार्डन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गंधराज के बारे में, यानी कि गार्डनिया के बारे में, कि इसकी जो लीव्स हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, वो येलो क्यों पड़ जाती हैं, क्यों ये साइड से बर्न होने लगती हैं, किस कारण से इसकी जो बड्स हैं वो ड्रॉप होने लगती हैं, गिरने लगती हैं। इन सारी बातों का आज हम विश्लेषण करते हैं अपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने पेड़ को दोबारा से ठीक कैसे करें। तो दोस्तों, आपको फर्टिलाइज़र डालने से पहले ये इस तरीके से इसकी आपको कटिंग कर लेनी है, और कटिंग भी आपको बिल्कुल ऊपर से करनी है, जहाँ से कि दूसरी ब्रांच इसमें आ सके। अब देखिए, कटिंग करनी क्यों इम्पोर्टेंट है। कटिंग करनी देखिए दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप इसमें फर्टिलाइज़र यूज करेंगे, यानी नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइज़र उसे डालेंगे इसमें, तो दोबारा से जब इस पर नई फुटेर आएगी, नए पत्ते आएंगे, तो वो बिल्कुल अंदर से ही हरे हरे निकल कर आएंगे, यानी कि बिल्कुल ग्रीन निकल कर आएंगे। इसलिए हमको इसकी कटिंग करने की आवश्यकता होती है। अगर हम इसे बिना कटिंग के ही रहन देंगे, यानी कि बिना कटिंग के ही इसे हम छोड़ देंगे ऐसे, और इसमें फर्टिलाइज़र भी डालेंगे, तो उसका ज़्यादा असर इस पर नहीं दिखेगा। इसी रीजन से हमें इस पेड़ की, यानी कि गार्डनिया की, हमें पहले कटिंग करनी होती है, बाद में इसमें हमें फर्टिलाइज़र डालना होता है। तो देख रहे होंगे मेरे पेड़ की जो हालत है वो बहुत बुरी हो चुकी है। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, मैं बाहर चला गया था। तो ये उस तरीके से देखिए, इसकी जो पत्तियाँ हैं वो बर्न हो चुकी हैं, और जो पत्तियों का कलर है वो भी आप देख रहे होंगे लाइट ग्रीन हो चुका है। तो दोस्तों, इसका जो मेन कारण है वो नाइट्रोजन का कारण है। इसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई है इस प्लांट के अंदर, यानी कि सॉइल के अंदर। तो मुझे अब एक ऐसा फर्टिलाइज़र देना होगा इसको, जिसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन हो। तो उसके लिए दोस्तों, मैंने घर पर ही, यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से इसको फर्टिलाइज़र दूँगा, घर का ही फर्टिलाइज़र दूँगा। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप अपने घर पर कॉफ़ी बनाते हैं, तो कॉफ़ी जो पाउडर होता है उसको आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जब चाय बनाते हैं, तो चाय की जो पत्ती होती है, जो वेस्ट होती है चाय बनने के बाद, जब आप छलनी में छानते हैं, जो चाय बच जाती है, तो उसको आप हर 10 दिन में या 5 दिन में आप इस प्लांट को दीजिए। उससे उसमें देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तो वो धीरे धीरे इस प्लांट को दोबारा से ग्रीनरी की तरफ ले जाएगा, यानी कि सारा प्लांट आपका रिकवर हो जाएगा। और जो ये जो पत्तियां हैं, ये भी दोबारा से हरी निकल कर आएंगी अंदर से ही, इसलिए ये पत्तियां मुझे काटनी पड़ रही हैं। और अगर मैं इन पत्तियों को नहीं काटूंगा, तो इनका जो कलर है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, मतलब होता किस कारण से है, क्या रीजन होता है जिससे कि जो पीली पत्तियां वो हो जाती हैं। तो जो मैग्नीशियम या जो फास्फोरस है और जो कैल्शियम होता है, इनमें डिसबैलेंस होने के कारण इसकी जो पत्तियां, जो लीव्स हैं, वो येलो होने लगती हैं, और जो बड्स हैं वो भी ड्रॉप होने लगती हैं। आपने देखा होगा कि जो गंधराज की कलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी ही ग्रोथ पर आती हैं और फिर सूख कर नीचे गिर जाती हैं। तो उसका जो मेन रीजन है दोस्तों, वो यही है, मैग्नीशियम और कैल्शियम और फॉस्फोरस का डिसबैलेंस होना। इसी रीजन से इसकी पत्तियाँ भी पीली हो जाती हैं, सॉरी पत्तियाँ तो पीली नाइट्रोजन से होती हैं, लेकिन जो इसकी जो बड्स हैं वो जो ड्रॉप होती हैं, वो उसके डिसबैलेंस होने के कारण होती हैं। तो दोस्तों, आप समय समय पर एक एक या आधी आधी चम्मच इसमें तीनों की मात्रा मिक्स करके आप देते रहें, इसकी मिट्टी में डालते रहें, या एक पाउडर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, उसको आप पानी में डाल के इस पर स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों, एक बात का आपको खासकर ध्यान रखना है कि ये जो पौधा है हमारा, समर पौधा है, यानी कि एवरग्रीन पौधा है, तो इसकी जो मिट्टी होती है उसमें मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, ठीक है। मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, यानी कि इसको धूप भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही ज़्यादा ठंड पसंद है इस प्लांट को। तो आपको ये ऐसी जगह पे रखना है जहाँ तक, जहाँ पर इसको डायरेक्टली धूप तो मिले, लेकिन वो भी 10-11 बजे तक, यानी कि 12 बजे तक धूप मिले, और बाद में इसमें छाया आ जाए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है।
मेरा प्लांट इसलिए सूख गया क्योंकि मैंने इसकी केयर नहीं की, मैं बाहर चला गया था तो ये सूख गया बिना पानी के भी, यानी कि पानी भी इसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिला, इसमें नमी नहीं बन पाई। लेकिन आपको गंधराज के प्लांट के अंदर बिल्कुल नमी बनाकर रखनी है। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ दोस्तों, तो आपको फर्टिलाइज़र आपको हर 3 महीने में या 2 महीने में आपको देते रहना है इस प्लांट को। जितना आप फर्टिलाइज़र दोगे उतनी ही अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो फर्टिलाइज़र होना चाहिए वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होना चाहिए, यानी कि आप गोबर के खाद भी मिला सकते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मेनली सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स आती हैं इस प्लांट के अंदर, गंधराज के अंदर। इसमें क्या होता है, एक तो जो ये लीव्स हैं वो येलो होने लगती हैं, यानी कि लाइट ग्रीन होने लगती हैं। आप देख रहे होंगे कैसा कलर है इसका। और जबकि जो पहली पत्तियां हैं उनका जो कलर है वो इस तरीके का था। और जो दूसरा इसका दूसरी जो इसकी प्रॉब्लम है वो इसकी जो बड्स हैं वो ड्रॉप होने लगती हैं। तो दोस्तों ये सब जो है वो जो फर्टिलाइज़र है उसका जो डिसबैलेंस है उसके कारण होता है, मैंने वीडियो में बता दिया है। तो आप अपने प्लांट का आप ध्यान रखिए, नाइट्रोजन टाइम से दीजिए। और जो इसकी अगर बात करें हम मिट्टी की, तो मिट्टी भी बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप फर्टिलाइज़र भी मत दीजिए, कम से कम 3 महीने में या 2 महीने में एक बार आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होना चाहिए। यानी कि आप गोबर का खाद, यानी कि आप गोबर का जो फर्टिलाइज़र होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उससे जो ये प्लांट है वो अच्छा रहता है। लेकिन जो पत्तियाँ इसकी जो येलो हो रही हैं उनके लिए आपको जो मैंने बताया आपको चाय की पत्ती उसका आप यूज़ कीजिए, ठीक है। और समय से इसमें पानी दीजिए क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो उसमें नमी होनी चाहिए, यानी कि इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, नमी होनी चाहिए इसकी मिट्टी में हमेशा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको ज़्यादा पानी डाल देना है जिससे कि जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाए और ये प्लांट स्ट्रेस में आकर सूख जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। आपको मतलब अच्छी मात्रा में इसको पानी देना है। और याद रहे कि पानी इसमें से तुरंत निकलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। जब भी इस पर नई जो फुटेज है, जो नई पत्तियां हैं, जब भी वो आएंगी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए मैंने आज इसकी प्रूनिंग कर दी है और अब मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगा, यानी कि जो नाइट्रोजन है उसको दूंगा, तो इसकी जो ग्रोथ है वो अब देखिए अच्छी तरीके से आएगी और ग्रीनरी आएगी, जो पत्तियां हैं वो भी ग्रीन होकर निकलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।